हेलो फ्रॉम शिमला। और आज बहुत ही एक उमदा चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। दिस इज़ एन आर्ट एग्जिबिशन बाय अ डियर फ्रेंड ममता धर्मा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऑल दीज ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। यूनिक बात यह है कि ये पेंटिंग्स थ्रेड की है, मेटल की है, ग्लास पेंटिंग्स हैं। एंड एक और यूनिक चीज़ ये भी है कि इनके जो बेटा है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इट इज़ अ डुओ ऑफ मदर एंड सन। एंड आई लाइक टू रोटेट दिस। पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी द थ्रेड वर्क जो इन्होंने किया है, ब्यूटिफुली डन। सिमिलरली यहाँ पे आके हम देख सकते हैं द ग्लास पेंटिंग्स दैट शी हैज़ डन। बहुत ही सुंदर थ्रेड वर्क है अगेन। और दिस होल एग्जिबिशन वॉज इनॉग्रेटेड बाई पद्मश्री, जो आज शिमला के लिए हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि भीमन बुहारी दास जी आए थे, जो 81 ईयर्स के हैं, लेकिन ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर कोलकाता। लेकिन आज वो यहाँ पे आए एंड एट दिस एज आई थिंक मुझे जो एक चीज़ ज़रूर बोलनी है कि जो पैशन होता है इन आर्ट एन आर्टिस्ट में वो बहुत ही उमदा होता है। एंड सो एज यू कैन सी दिस इज द एग्जिबिशन दैट इज़ बाय वुमेन हु वॉज अ होम कीपर आई वुड से, लेकिन उन्होंने शुरुआत की कोविड में ज़्यादा, और आज बहुत ही उमदा है क्योंकि आप देख सकते हैं। आई टेक यू टू द मेटल पेंटिंग्स। सी दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल अगेन। बहुत टाइम लगता है जब मैं इनसे बात कर रही थी तो शी इज़ अ डियर फ्रेंड, सो शी वॉज टेलिंग कि कितना टाइम लगता है, एक एक दो दो महीने लगते हैं। बहुत ही सुंदर है और इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि जैसे हम फ्रेंड हैं उसकी और हमने उसको देखा है कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। और आज खुद इनॉग्रेशन बाय पद्मश्री भीमन बुहारी दास जी द्वारा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड सी द एग्जिबिशन। श्योर।